नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने बढ़ती महंगाई, तेल की कीमतों और नियम 134A को समाप्त करने के विरोध में सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जिला सचिवालय रेवाड़ी पहुंचकर जिला उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि यदि जल्द ही नियम 134A को समाप्त करने का गलत फैसला वापस नहीं लिया गया और बढ़ती महंगाई और तेल की कीमतों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो पार्टी अपना प्रदर्शन जारी रखेगी और सरकार की ईंट से ईंट बजाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता भानु शर्मा की रिपोर्ट। शुरुआत रेवाड़ी से हमने जो महंगाई के खिलाफ जो आंदोलन उठाया है भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने, ये पूरे हरियाणा प्रदेश में हर जिला सतर पर कार्यक्रम होने जा रहा है और निश्चित ही हम सरकार से आज मांग करते हैं इस महंगाई को और 134 को लागू करें और गरीब लोगों गरीब बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिले। तो हम ये निश्चित ही चाहेंगे सरकार हमारी मांगों को मानेगी, अगर नहीं मानी तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी पूरी हरियाणा प्रदेश में आंदोलन खड़ा करेगी। गरीब को लेकर के 134A जो सरकार ने गरीब बच्चों का अच्छे स्कूलों में पढ़ने का एकमात्र जो रास्ता था उसको बंद किया है और कच्चे कर्मचारी जो लगातार रोड पर हैं, धरने पर हैं, तो उनके समर्थन में और इस महंगाई के विरोध में, चाहे वो रसोई गैस की बात हो, चाहे वो डीजल पेट्रोल की बात हो, हर तरह की महंगाई जो खाद्य सामग्री के रूप में हो, उसके विरोध के अंदर आज भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने अपना प्रोटेस्ट किया है। क्या कुछ आगे आगे की रणनीति भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की कि आज जिला स्तर पर अलग अलग जिलों में जाकर के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन पत्र आज राज्यपाल महोदय को DC के माध्यम से सौंपा है जी। और अगर इन पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई नहीं होती है, अगर 134A को बहाल नहीं किया जाता है, अगर रसोई गैस के दाम जो आज 1,000 रुपये का ऊपर सिलेंडर हो गया है, जो डीजल और पेट्रोल जो है शतक लगा गए हैं, अगर इनके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई नहीं हुई, इनको कम नहीं किया गया, 134A को तुरंत प्रभाव से बहाल नहीं किया गया, तो फिर साझा एक आंदोलन भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी करेगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।